नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। ये छोटा सा वाक्य ही सपनों की परिभाषा बता रहा है। असल में सपनों की दुनिया ही नहीं, भाषा भी अलग होती है। हमारा दिमाग अक्षरों नहीं चित्रों के आधार पर सोचता है और इसीलिए हम जिस चीज़ को एक बार देख लेते हैं वो हमें अधिक समय तक याद रहती है, बशर्ते पड़ी हुई चीज़ के। ये जरूरी नहीं है कि आपके देखे हुए हर सपने का कुछ मतलब हो ही, कभी कभी ये सिर्फ हमारी सोच का नतीजा होता है। हम जिस बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं उसका सपना आना आम बात है, जैसे कि परीक्षा के समय परीक्षा भवन का सपने में दिखाई देना है। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे ही सपने जिनका वास्तव में कुछ न कुछ मतलब होता है। तो दोस्तों अगर आप सपने में तेजी से अनियंत्रित रूप से गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके नियंत्रण के बिल्कुल बाहर है। ये एक आम सपना है जो आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों या सफलता के बाद विफल न होने के डर के कारण आता है। दूसरा है कि अगर आप सपने में अपने किसी प्रियजन की मृत्यु देखते हैं तो निसंदेह ये बुरा सपना है, लेकिन यदि आप हाल ही में किसी शोक सभा में जा चुके हैं तो ये उसका प्रभाव भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, चाहे वो कोई अंत हो या फिर कोई नई शुरुआत हो, उसकी ओर संकेत करता है। साथ ही साथ अगर सपने में कोई आपका पीछा कर रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं या आप अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन्हें आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सपने में मृतकों की आत्मा देखते हैं या उनसे बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत संगत में हैं। कभी कभी ये आपके सामान के खोने का संकेत भी हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का सपना देखते हैं जो काफ़ी समय पहले मर चुका है तो ये आपके जीवन की मौजूदा स्थिति या आपके संबंधों में उस व्यक्ति की गुणवत्ता दर्शाता है। अगर आप सपने में शादी देखते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका शादी करने का मन बन रहा है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी न सोचते हुए इस शुभ काम को जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको सपने में पैसा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी महत्ता बढ़ रही है। अगर आप पैसे का लेन देन देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। साथ ही साथ अगर आप सपने में कहीं फंस गए हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी असल जिंदगी में किसी चीज़ से भाग रहे हैं और ये संकेत है उनसे निपटने का और जीवन में आगे बढ़ने का। साथ ही साथ दोस्तों सपने में पानी दिखने का मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कैसा पानी दिखता है। अगर आपको धुंधला पानी दिखता है तो आपको किसी भी चीज़ की नई शुरुआत थोड़े दिनों के लिए टाल देनी चाहिए, लेकिन अगर आप साफ पानी दिखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। यह आपके जीवन में आने वाली सफलता का संकेत है। और अगर आप स्वयं को पानी में देखते हैं तो ये बताता है कि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं। तो अपने सपने का सही मतलब जानने के लिए ध्यान रखें कि आपने कैसा पानी देखा है। साथ ही साथ दोस्तों सपने में अगर आपने सांप देखा है या सांप का काटना देखा है तो ये आपके डर और चिंताओं को दर्शाता है। ये सपना आपको आपके आने वाले जीवन में सावधान होने का संकेत देता है। अगर आप उलझा हुआ सांप देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा जो होने वाला था आपके जीवन में वो अपने आप ठीक हो गया है। यदि आपने धब्बेदार सांप देखा है तो ये आपके लालची स्वभाव, खतरे में होने और मन की कामुकता का संकेत देता है। अगर आपने सपने में अपने बिस्तर पर सांप देखा है तो इसका मतलब है कि आप संभोग करना चाह रहे हैं। अगर आपको सांप से डर लग रहा है तो ये सेक्स से आपके डर को दर्शाता है। कभी कभी सांप देखना ये भी संकेत करता है कि आपके आसपास का व्यक्ति दोगुले स्वभाव का है। सकारात्मक रूप में सांप देखना ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। और दोस्तों अगर आपने सपने में बारिश होते हुए देखी है तो ये क्षमा और कृपा का प्रतीक है। अगर आपने बारिश में खुद को भीगते हुए देखा है तो ये आपकी सारी समस्याओं के खत्म होने का संकेत है। अगर आप सपने में खुद को किसी खिड़की से बारिश को देखते हुए देख रहे हैं तो आप में आध्यात्मिक विचारों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भाग्य और प्यार का भी प्रतीक हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।